कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है प्रोसेसिंग टाइम्स के रिगार्डिंग। तो आज जो है इसमें विजिटर वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, स्टडी परमिट है और केयर गिवर की फाइल है और स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल्स है। तो कितना प्रोसेसिंग टाइम है वो हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं टेम्प्रेरी रेजिडेंट में टूरिस्ट वीज़ा, जिसमें ये विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा है और ये इंडिया से लग रही है फाइल। तो इस वीक का कितना प्रोसेसिंग टाइम अपडेट हुआ है तो वो हम चेक कर रहे हैं कि कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। तो आपने इंडिया से फाइल लगाई है, ये इंडिया से हमने प्रोसेसिंग टाइम हुआ है, अब पहले से कम हुआ है और ये 154 डेज है, जो लास्ट वीक था 160 डेज था। तो ये आप देख सकते हैं 14 दिसंबर का अपडेट है, लेटेस्ट ही है। अब हम चेक करते हैं विजिटर इनसाइट। डेज एंड पेपर बेस 15 डेज, उसके बाद ये है और ये है विजिटर एक्सटेंड रिकॉर्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर ऑनलाइन है 193 डेज और पेपर बेस है 163 डेज, ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं स्टडी परमिट आउटसाइड कनाडा और ये है 9 वीक्स। तो ये लेटेस्ट अपडेट है 40, तो ये है 9 वीक्स का। पहले से स्टडी परमिट का प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा 4 वीक्स, उसके बाद स्टडी परमिट एक्सटेंड रिकॉर्ड 91 डेज ऑनलाइन और पेपर बेस है 108 डेज। अब ऐसे ही हम चेक करते हैं इमिग्रेशन प्रोग्राम में, अंटार्कटिका इमिग्रेशन प्रोग्राम पायलट प्रोग्राम, तो ये 12 मंथ का है। ऐसे ही हम चेक करते हैं कनाडा एक्सपीरियंस का 21 मंथ, केयर गिवर्स का, इसमें होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर है, ये मोर देन 24 मंथ्स से ज़्यादा आपके अगर फाइल की। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं 28 मंथ है, डायरेक्ट पीआर है, ये लेटेस्ट अपडेट जो है 14 दिसंबर का है। और अपना स्टेटस किसी ने चेक करना हो तो यहाँ एप्लीकेशन का जाके चेक भी कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ चेंजेस करने हो तो वेब फॉर्म भी भर सकते हैं, यह ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अब इसमें आती हैं दूसरी लेस देन, अगर 24 मंथ से आपका लेस देन प्रोग्राम है तो आपको पहले वर्क परमिट मिलेगा और फर्स्ट पीआर रेजिडेंट रिव्यू होगी, फिर रिव्यू जो होगी आपकी वर्क एक्सपीरियंस बाय वेरिड बाय एप्लीकेशन। तो 33 मंथ का प्रोसेस है। सेम ही होम स्पोर्ट वर्कर में भी ऐसे ही है, आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, इसमें 18 मंथ है, डायरेक्ट आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम कम है इसमें। उसके बाद लेस देन में वही 33 मंथ एंड वेरी बाय एप्लीकेशन। आगे हम चेक करते हैं इसमें, ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद प्रोविंसी नॉमिनेट प्रोग्राम, और हमने अप्लाई करा हुआ है 31 सेल्फ क्यूबिक पर्सन 42 मंथ, तो क्यूबिक बिजनेस क्लास 65 मंथ, स्किल्ड फेडरल ट्रेड 29 मंथ, स्किल ट्रेड फेडरल 62 मंथ, स्किल्ड वर्क क्यूबिक 21 मंथ, स्टार्टअप वीज़ा 32 मंथ,
फैमिली स्पॉन्सरशिप में आ जाता है कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट लिविंग इनसाइड। तो ये है 14 मंथ, ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जाके आप अपनी फाइल का स्टेटस देख सकते हैं जिनकी अभी फाइल का रिजल्ट नहीं आया। तो ये है आउटसाइड स्पाउस ओपन वर्क परमिट का 18 मंथ, तो इनका भी पहले से प्रोसेसिंग टाइम कम हुआ है थोड़ा। पेरेंट्स और इसमें इंडिपेंडेंट चाइल्ड है, इंडिया से फाइल लगी है। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स 38 डेज, अब इसमें आ जाते हैं हम। अडॉप्टेड चाइल्ड एंड अनदर रिलेटिव, फाइव मंथ। अब इसमें हम चेक करना है वर्क परमिट। वीक्स वर्क परमिट, ये इनसाइड है। ये जो है वर्क परमिट इनसाइड 167 डेज ऑनलाइन एंड पेपर विथ 78 डेज। अब है सीजनल वर्कर एग्रीकल्चर प्रोग्राम, इसका 18 वीक्स का है। तो ये सीजनल एग्रीकल्चर वर्क प्रोग्राम का है, तो ये 14 दिसंबर का अपडेट है, आप जाके ये चेक कर सकते हैं। तो 18 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का जो है प्रोसेसिंग टाइम हर वीक चेंज होता रहता है। तो हम इस चैनल में आपके साथ शेयर करते रहते हैं कनाडा प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट कैटेगरीज का। तो अगर आप अपनी फाइल का स्टेटस देखना चाहते हो तो अब नीचे लिंक भी है कनाडा www.canadacn पर जाके आपके पास अपना फाइल नंबर है, तो आप ऑनलाइन जाके अपना स्टेटस देख सकते हो। और काफ़ी की फाइल्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है और वो काफ़ी डिले हो